बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक कनाल का घर जो कि DHA फेज 6 लाहौर में सेल के लिए मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें 5 बेडरूम्स और 2 वॉशरूम्स में जकूजी इंस्टॉल्ड हैं। और अब अंदर की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं घर का मुकम्मल ओवरव्यू। बाहर आप देख सकते हैं ये ग्रीन एरिया है और ये घर का मेन गेट जिसको ब्लैक कलर में रंग किया गया है। अंदर आते ही गाड़ी का पोर्च एरिया इतना है कि 3 से 4 गाड़ियां यहां पे बहुत ही आसानी से पार्क हो सकती हैं। ये घर के अंदर लॉन है और ये घर की एंट्रेंस। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि वॉल पे मिरर को इंस्टॉल किया हुआ है और वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। बिल्कुल सामने किचन है और उसके राइट साइड पे टीवी लाउंज। एंटर होते ही बिल्कुल राइट साइड पे हमारे आ जाता है ड्राइंग रूम, जिस पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से शैंडेलियर और सीलिंग का काम किया हुआ है। और सामने ही हमारे विंडो है जहाँ से हम बाहर अपना लॉन का व्यू देख सकते हैं। और बिल्कुल इसके साथ हमारा आ जाता है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया से सीधा आगे की जानी बढ़ते हैं तो पार्टीशन करके टीवी लाउंज को डाइनिंग एरिया से सेपरेट किया गया है। ये आ जाता है हमारा टीवी लाउंज। और टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने किचन। किचन को आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन किचन आ जाता है और बिल्कुल उसके साथ डर्टी किचन को भी बनाया गया है, जिसकी एंट्रेंस यहाँ से भी है। माइक्रोवेव ओवन और रेफ्रिजरेटर पहले से इंस्टॉल्ड है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वुडवर्क किया गया है पूरे किचन में। ये हमारा आ गया है डर्टी किचन। व्यूवर्स, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ ऐसे लोग जो DHA फेज 6 लाहौर में अपना घर बनाना चाह रहे हैं और उनका बजट थोड़ा सा कम है एज़ पर मार्केट, तो ये घर उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इस वक्त ये घर मार्केट से काफ़ी कम प्राइस पे सेल के लिए अवेलेबल है। यहाँ से अगर हम बिल्कुल राइट होते हैं तो हमारा आ जाता है नीचे मास्टर बेडरूम, जिसको फुली जिसमें कंप्लीट वुडन फ्लोरिंग लगाई गई है। और सामने वॉल्स पे आप देख सकते हैं कि मिरर्स और वुड का इस्तेमाल करके खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है। साथ ही आ जाता है अटैच वॉशरूम, जिसके लेफ्ट साइड पे बिल्कुल देख सकते हैं कमोड, उसके आगे जैकूजी और उसके सामने बाथ एरिया। और ये हमारे पास यहाँ पे भी वॉश बेसन दिया गया है और यहाँ पे भी डबल वॉश बेसन यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। और कबर्ड एरिया आप देख सकते हैं, हमारी राइट साइड पे भी कबर्ड्स हैं और लेफ्ट पे भी कबर्ड्स हैं। हम ये देखकर कह सकते हैं कि ये तकरीबन बहुत कम घरों में इस तरीके से होता है कि वॉशरूम के लिए इतनी ज़्यादा स्पेस को यूटिलाइज़ किया गया हो और इतने अच्छे तरीके से कि जहाँ पे हर ज़रूरत की चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम के बिल्कुल सामने रूम नंबर 2 है। टाइल्स आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है पूरे घर में। सामने AC यहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है और ये हमारी कबर्ड्स आ गई। और ये दूसरे रूम का अटैच वॉशरूम। कमोड की राइट साइड पे वॉश एरिया, जिसे हम बाथ एरिया भी बोलते हैं, और जिसमें रेन शोवर को इंस्टॉल किया हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है।
और ये वॉश बेसन। और इसी के साथ हमारे ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू पूरा होता है। ये सामने हमारे पाउडर रूम है, मेन एंट्रेंस, ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, टीवी लाउंज और उसके सामने किचन, और आगे राइट साइड पे मास्टर बेडरूम और उसके बिल्कुल सामने सेकंड बेडरूम, और यहाँ पे हमारा पाउडर रूम। सिंपल बट ब्यूटीफुल। और ये आ गया है ऊपर के जानिब जाने के लिए स्टेयर केस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा शैंडिलियर यहाँ पे लगाया गया है, और वॉल पे सामने वॉलपेपर और वुड का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर आते ही बिल्कुल सामने हमारे आ जाता है ऊपर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम आप देख सकते हैं, जिसके अगर हम यहाँ से राइट साइड पे देखें तो ओपन एरिया की भी एंट्रेंस है, और यहाँ सामने से हमारा आ जाता है फ्रंट टेरेस। ये फ्रंट टेरेस है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर के मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हुआ है ये भी वॉशरूम। कमोड आ जाता है, डबल यहाँ पे वॉश बेसन है, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से अच्छी जगह को यूटिलाइज करते हुए जकूजी को इंस्टॉल किया गया है। सामने वॉशिंग एरिया आ गया है, जिसे हम बाथ एरिया भी बोलते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल हमारे सामने कबर्ड्स हैं। एक बार मैं यहाँ से आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। वॉशरूम, अच्छी खासी स्पेस वॉशरूम के लिए यूज़ की गई है। मास्टर बेडरूम से बाहर आते ही हमारे यहाँ पे आ जाता है टीवी लाउंज, और टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ एरिया को यूटिलाइज करके स्टडी एरिया बनाया गया है, जहाँ पे फिर से वुडन फ्लोरिंग इंस्टॉल की गई है, और यहाँ से आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पे टीवी लाउंज के साथ ही दूसरा किचन यहाँ पे बनाया गया है। टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने यहाँ से भी ओपन एरिया की एक्सेस है। एक मैं आपको वहाँ से दिखा चुका हूँ मास्टर बेडरूम से, और एक मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, और एक अभी दूसरे बेडरूम से भी है। लेफ्ट साइड पे होते ही हमारे आ जाता है स्टोर रूम, और स्टोर रूम के बिल्कुल सामने सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम से भी यहाँ से एंट्रेंस है, और यहाँ से सेकंड बेडरूम के अटैच वॉशरूम आ जाता है। बाथ एरिया, वॉश बेसन, और ये हमारा कमोड, और सामने ही हमारे आ जाती हैं कबर्ड्स। और यहाँ पे हमारा आ जाता है बेडरूम नंबर 5, लेकिन ऊपर का ये बेड नंबर 3 बन गया है। स्लाइडिंग विंडोज लगाई गई हैं एयर वेंटिलेशन के लिए, और पीछे की जानिब भी टेरेस छोड़ा गया, और यहाँ पे बिल्कुल सामने कबर्ड्स। कबर्ड्स के बिल्कुल राइट साइड पे अटैच वॉशरूम।
सेम यहाँ पे भी बाथ एरिया, वॉश बेसन और कम आउट की फैसिलिटी दी गई है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूँ, ये हमारा बेडरूम, इसके साथ ऊपर एक और बेडरूम आ जाता है जिसके बिल्कुल सामने स्टोर रूम, ये हमारा किचन टीवी लाउंज के साथ, और टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ स्टडी एरिया बनाया गया है जिसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन स्पेस की एंट्रेंस जो कि उस रूम से भी है, रूम नंबर 2 से, और यहाँ पे ऊपर के रूम नंबर 1 से भी। इसी के साथ हमारे घर का मुकम्मल ओवरव्यू कंप्लीट होता है। एक बार मैं स्टेयर से आपको दोबारा बता देता हूँ, किचन, सामने टीवी लाउंज, डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम। ये हम बाहर आ गए हैं गाड़ी घर के पोर्च एरिया में। मैं अगर यहाँ से आपको लेके चलूँ तो इस घर का सर्वेंट क्वार्टर पीछे की जानिब है जो कि ऊपर ही बनाया गया है, लेकिन नीचे स्टेयर्स का यूज़ किया गया है लोहे की। यहाँ पे हमारे ऊपर सर्वेंट क्वार्टर का रास्ता मौजूद है। ऊपर चूंकि फैमिली रह रही है इसलिए मैं अभी ऊपर जाना मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं ऊपर जाके स्पेशल आपके लिए वीडियो बना के सेंड कर सकता हूँ। ये सर्वेंट का वॉशरूम आ गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इस घर का मुकम्मल ओवरव्यू कंप्लीट होता है। तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको और भी बहुत सारे खूबसूरत घरों के वीडियो बर वक्त मिलती रहे। घर की डिटेल्स क्या हैं, आस्किंग प्राइस क्या है और उस सब के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, उसके ज़रिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया।